भाइयों को अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगी कि आगे भी आपका प्यार इसी तरह मेरे साथ बरकरार रखे। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है, आज मैं जाने वाली हूँ जाख मंदिर। ये हमारे घर से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और बहुत ही भव्य मंदिर है, और मंदिर के बारे में बहुत सारी मान्यताएँ भी हैं। यहाँ पर मेला भी होता है अप्रैल के महीने में, और क्या कुछ खास है उस मंदिर में, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ और बने रहिए मेरे साथ। जब मैंने जैसे आपको बताया ना कि यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, और क्या कुछ उस मेले में होता है मैं आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी पहले अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है खास। बना हुआ है, इसकी मैं बात बताऊं, यहाँ पे जब मैंने आपको जैसे बताया था कि जाख का यहाँ पे मेला लगता है, तो ये जो जगह है यहाँ पे एक दिन पहले लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है और उसको जलाया जाता है, और अगले दिन कहते हैं कि जिस पे जाख देवता आता है वो उन अंगारों पे चलते हैं, वाकई वो देखने लायक है। और वैसे भी कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, तो उस दिन ऐसा वाकई ऐसा लगता है कि देवता यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि जो वो अंगारे होते हैं उसके तो करीब जाना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो जाख देवता होते हैं वो उस पे चलते हैं, 3 चक्कर वो यहाँ पे लगाते हैं, और उस मेले में यही कहते हैं कि यही खास होता है। और क्या कुछ है मंदिर में मैं आपको दिखाती हूँ।
बहुत ही शांत जगह पे ये मंदिर है, और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ की मान्यता काफ़ी है, प्रसिद्धि काफ़ी है। और इस जाख मंदिर के बारे में ये भी बोला जाता है कि अगर बहुत समय से बारिश नहीं हो रही है और आप यहाँ जाख मंदिर के दर पे आते हैं तो कहते हैं एक या दो दिन में बारिश हो जाती है, लोगों की मान्यता है। मैं इस मेले में कई बार आई हूँ बचपन में, क्योंकि मेरा घर गुप्तकाशी इसी के बगल में ही पड़ता है और सामने नवोदय विद्यालय है, वहाँ पे भी मैंने पढ़ाई की है। तो जब यहाँ पे मेला होता है तो लोगों का बहुत क्राउड होता है यहाँ पे, और जब जाख जो देवता हैं वो उन अंगारों पे चलते हैं तो वाकई वो नज़ारा देखने लायक होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो गद्दी स्थल जहाँ पे जो जाख देवता हैं वो बैठते हैं। ये पेड़ के नीचे ये बना हुआ है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजा महाराजाओं की गद्दियाँ होती थी पहले, उस तरीके से ये है। और जब वो मेला होता है तो तब यहाँ पे वो जाख राजा बैठते हैं। जो जागदार का मंदिर है इसके ठीक सामने देखिए, ये है जवाहर नवोदय विद्यालय, यहाँ पे भी मैंने अपनी पढ़ाई करी थी। वो कैसा लगा, आई होप पसंद आया होगा। लेकिन अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल #health को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और नई जगह पर कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। टाटा बाय बाय। सफर में धूप तो होगी ही, चल सको तो चलो, रास्ते में भीड़ तो होगी ही, निकल सको तो चलो, किसी के कहने पर राहें कहाँ बदलती, तुम खुद को बदल सको तो चलो, लड़ाई तो अपनी समय से है, मात दे सको तो चलो फिर।